दोस्तों देखिए, ये हमारा फोर ट्रैक का ड्राइंग है, देख सकते हैं 1 2 3 4। तो इसी के बारे में हम आज बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि देख सकते हैं 2x1 इंच जो सेक्शन है उसको 25x50 mm बोला जाता है। तो उसको बहुत लोग 25x50 mm बोलते हैं, बहुत लोग उल्टा बोलते हैं 50x25 mm। तो आप जैसे समझ सकते हो उस हिसाब से आप समझ लीजिए, और 2x1 इंच भी बोला जाता है। तो दोस्तों इसी के बारे में आज हम बताएंगे आपको कैसे साइज निकाला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ इसका साइज, आप देख लीजिए। ठीक, एग्जांपल मैं आपको एक दे रहा हूँ फार्मूला, इस फार्मूले से आपका कोई भी साइज रहेगा आप साइज निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं पहले हमारा ये चौड़ाई, ठीक है, चौड़ाई हमारा जो है 96 इंच है, ठीक, जिसको 96 इंच बोलते हैं। तो हमारा एल से लेंथ हो गया, और ये भी देख सकते हैं 60 इंच हाइट है, एच से हाइट हो गया। ठीक है दोस्तों, ये हमारा चौड़ाई हो गया, वो हाइट हो गया। जो भी आपका साइज रहेगा आप उसी हिसाब से माइनस करिए जैसे मैं माइनस करूँगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। चौड़ाई का साइज मैं पहले आपको बता देता हूँ, और हाइट का साइज बाद में बताऊँगा मैं दोस्तों। ग्लास का साइज इसमें बताऊँगा, बेयरिंग बॉटम का, सबका एकदम क्लियर बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आप सबसे पहले जो भी आपका साइज रहेगा चौड़ाई वाला आप उसमें से माइनस करेंगे। ठीक है, कितना माइनस करेंगे, 11 इंच हाफ। दोस्तों इसको अगर शॉर्टकट में बोलेंगे तो 11.5 बोलेंगे, ये आप माइनस करेंगे किस में से, आपका चौड़ाई का जो भी साइज रहेगा आप उसमें से माइनस करेंगे 11.5। उसके बाद दोस्तों जैसे हमारा 96 इंच है, हमने 11.5 माइनस कर दिया, तो हमारा इसमें से साइज बच गया 84.5 हमारा साइज बचा। ठीक, अब इसमें से हम क्या करेंगे, भाग देंगे 4 का, हमारा तभी जो है बेयरिंग बॉटम का साइज निकलेगा। ठीक, अब मैं बेयरिंग बॉटम का साइज यहाँ से माइनस कर दिया, तो इसमें से 4 का भाग दूंगा कि इसका 84.5 का 4 का अगर भाग देंगे तो दोस्तों हमारा आंसर आ जाएगा बेयरिंग बॉटम का साइज वही होगा। ठीक है, बेयरिंग बॉटम का साइज हमारा हो जाएगा 21, एक सूता बोलते हैं जिसको दोस्तों, 21.18, मैं वो 21.18 लिखा हूँ, आप इसको 21 एक सूता भी बोला जाता है, आप भी समझ सकते हैं। बट दोस्तों एक सूता ऐसे नहीं लिखा जाता है, उसका सिस्टम दूसरा होता है। ठीक है, एक सूता अगर आपको लिखना है डायरेक्ट एक लिख दीजिए, एक सूत हो जाता है। ठीक, अगर आपको सूत में नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको एक सूत में मेजर टेप देखने के लिए बता दूंगा, mm में, सेंटीमीटर मिलीमीटर, उसको भी आपको बता दूंगा। अब दोस्तों बात आ जाती है कि बेयरिंग बॉटम का साइज हमारा तो हो गया, बट ये कितना पीस कटेगा। ठीक, तो ये हमारा कटने वाला है 8 पीस। ठीक है दोस्तों, ये 8 पीस हमारा कटेगा, क्योंकि एक पल्ले में 2 लगता है, नीचे ऊपर का मिला के 4 पल्ले हैं, तो 8 पीस हमारा ये बेयरिंग बॉटम लगेगा, जिसको एच बॉटम भी बोला जाता है। तो बेयरिंग बॉटम मैं जिसको बोल रहा हूँ इसी को दोस्तों एच बॉटम बोला जाता है। ठीक है, अब बात आ जाती है दोस्तों इसकी ग्लास की साइज कैसे निकालेंगे। चलिए दोस्तों मैं आपको पहले ग्लास का साइज ही निकाल देता हूँ चौड़ाई का, उसके बाद हाइट का निकालेंगे। तो ग्लास के साइज के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल है, बेयरिंग बॉटम के साइज से आप प्लस करेंगे। ठीक है, 3/4 जब प्लस करेंगे, जिसको दोस्तों 6 सूता बोलते हैं, 6 सूता ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, अगर 6 लिख देंगे वो सूता हो जाता है, तो मैं यहाँ पे 6 नहीं लिख रहा हूँ, 3/4 लिख रहा हूँ। 3/4 दोस्तों हम प्लस कर दिए, तो हमारा यहाँ पे जो है ग्लास का साइज हो जाएगा। ठीक है, देखिए ग्लास साइज हमारा चौड़ाई का जो होगा 21.78 हमारा दोस्तों ग्लास का साइज हो गया, जिसको हम बाई लिख लेते हैं, यहाँ पे हम हाइट का ग्लास का साइज लिखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से आप चौड़ाई का ग्लास का साइज निकालें। अब हम आपको बता देते हैं हाइट का कैसे साइज निकालेंगे। ठीक, तो हाइट की दोस्तों बहुत ही सिंपल है, मैं बताता हूँ। 2x1 इंच का अगर आपका सेक्शन है, और 25mm x50mm उसी को बोलते हैं, तो अगर आपका ये वाला सेक्शन है तो सभी विंडो में आपको, कोई भी विंडो है अगर यही सेक्शन लगा रहे हैं, तो हाइट में आपको वही उतना ही माइनस करना पड़ेगा जितना मैं आपको बता रहा हूँ, और एक दो वीडियो में मैं बताया भी हूँ। तो आप इसमें से माइनस करेंगे दोस्तों कितना, 1 इंच। ठीक है,
एक इंच 1/8 माइनस कर दीजिए। एक इंच दोस्तों 1/8 आप माइनस कर देंगे किसमें से, 60 जो भी आपका साइज रहेगा, ठीक है। मैं तो 60 बता रहा हूँ, मेरा ये एक फार्मूला है, आप अपने हिसाब से समझिएगा। तो हम इसमें से माइनस कर दिए, हमारा दोस्तों साइज बच गया, जो वही आपका हैंडल और इंटरलॉक का साइज हो जाएगा। तो मैं H से हैंडल, I से इंटरलॉक यहाँ पे लिख लिया हूँ। I तो ऐसे भी बना सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप जिस हिसाब से समझ सकते हैं समझिए, ये हमारा हैंडल इंटरलॉक का साइज हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 58 7 8, ठीक है दोस्तों। ये हमारा जो है हैंडल इंटरलॉक का साइज हो गया, ठीक। ये वाला 60 इंच हमारा था, मैंने उसमें माइनस कर दिया 1 इंच 1/8, 1 इंच 1 सूत जिसको बोलते हैं। तो 58 7/8 हमारा हैंडल और इंटरलॉक का साइज हो गया, ठीक। अब दोस्तों बात आ जाती है इसकी, ग्लास के साइज कैसे निकालेंगे। ग्लास का साइज निकालने के लिए दोस्तों बहुत ही सिंपल है, हैंडल इंटरलॉक में से आप माइनस करिए, ठीक। इसमें से आप माइनस करिए, माइनस कितना करेंगे, 4 इंच, ठीक। यहाँ पे देखिए मैं माइनस का तीर लगा देता हूँ, 4 1/8 जिसको 4 1 सूत बोलते हैं, 4 इंच 1 सूत बोला जाता है, उसी को मैं 1/8 बोलता हूँ, ठीक। तो इतना हम माइनस कर देंगे दोस्तों, तब हमारा जो है ग्लास का साइज हो जाएगा 54 3/4, ठीक है दोस्तों। ये हमारा 54 3/4 ग्लास का साइज हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों आप ग्लास का साइज निकालिए, आपका भी जो रहेगा साइज, आप उसमें से हैंडल इंटरलॉक के साइज में से 4 1/8 माइनस करेंगे तो आपका ग्लास का साइज हो जाएगा। और आपका जो साइज रहेगा फुल साइज हाइट वाला, उसमें से आप माइनस करेंगे 1 इंच 1/8 तो हैंडल इंटरलॉक का साइज हो जाएगा। हैंडल इंटरलॉक में से माइनस करेंगे 4 1/8 ग्लास का साइज हाइट का हो जाएगा। अब बात करते हैं हाइट का, ग्लास साइज 54 3/4 यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है 54 3/4। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 54 3/4 ग्लास का साइज हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं 21 7/8 by 54 3/4, ये हमारा ग्लास का साइज हो गया। 4 ग्लास लिख सकते हैं। अगर दोस्तों आप इसमें जो है आपका 5 ट्रैक विंडो है तो भी आपको इसी हिसाब से साइज इसलिए निकालना पड़ेगा, अगर यहाँ पे 5 ट्रैक विंडो है तो एक नाली यहाँ पे बढ़ जाएगा, आपको पता है, ठीक। तो आप इसके हिसाब से साइज निकालेंगे, उस नाली में आप मस्कीटो नेट डालेंगे जो कि पीछे साइड में रहता है, आप बीच में भी कर सकते हैं आगे भी कर सकते हैं। आप दोस्तों कमेंट करेंगे आपको जैसा वीडियो चाहिए, मैं वैसा बना के बिल्कुल दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से आप ग्लास का साइज निकालें, और इस तरीके से दोस्तों आप बेयरिंग बॉटम का साइज निकालें, ठीक। इस तरीके से आप हाइट का ग्लास का साइज निकालें, और इस तरीके से आप हैंडल इंटरलॉक का साइज निकालें। दोस्तों आपको वीडियो समझ में आ गया होगा तो वीडियो को कमेंट जरूर करिए, मुझे बताइए कि आपको वीडियो अच्छा लगा कि नहीं, और कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो दोस्तों मुझे वो भी कमेंट करिए। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दिए दोस्तों, अपने किसी दोस्तों को फ्रेंड को शेयर करेंगे उसको भी पता हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।